हाय गाइज, मैं शांत, आप देख रहे हैं टेक्निकल चैनल। इस वीडियो में आपको बताऊंगा हाउ टू गेट गूगल फ्लोटिंग कीबोर्ड ऑन एनी शाओमी डिवाइस। देन हिट द सब्सक्राइब बटन एंड लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो अभी अगर आप गूगल कीबोर्ड यूज़ कर रहे हो तो आपको फ्लोटिंग कीबोर्ड का ऑप्शन नहीं मिलेगा। तो देखिए, जैसे कोई भी आप मतलब चाहिए जिसमें कि आप टाइप कर सकते हैं, तो मैं इसमें मतलब मी नोट यूज़ कर रहा हूँ। तो देखिए, जैसे कि अभी आपको फ्लोटिंग का ऑप्शन नहीं मिलता है, तो अगर आप अभी गूगल का जो मतलब आइकन से उसमें टैप कीजिएगा तो आपको 3-डॉट मेन्यू में जाना होगा। तो अभी आपको फिलहाल तो फ्लोटिंग का ऑप्शन नहीं मिलता, काफ़ी कम बीटा यूज़र्स को मिला है जो कि मतलब बीटा यूज़र है। तो देखिए, जैसे कि आपको अभी फ्लोटिंग का ऑप्शन नहीं मिलता, तो कैसे इसको आप अनेबल कर सकते हैं मैं आपको बताऊँगा। तो इसके लिए आप पहले डिसेबल कर दीजिए वाईफाई और डाटा, तभी आपको मतलब ये होगा, नहीं तो जैसे ही आप अगर अनेबल भी कर लीजिएगा तो ये आपका डिसेबल हो जाएगा। क्योंकि गूगल अगर आपका पकड़ लिया कि आप ये फीचर यूज़ कर रहे हैं जो कि मतलब वो नहीं करने देना चाहता है, तो इसके लिए आपको एक ऐप डाउनलोड करना होगा जो कि गूगल जीबोर्ड का नया मतलब बीटा बिल्ड है, जो कि आपको मतलब नहीं मिला होगा। तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, डायरेक्टली आप डाउनलोड करके इसको इंस्टॉल कर सकते हैं नॉर्मल ऐप की तरह। तो देखिए, जैसे कि ऐसे आपको इंस्टॉल कर देना है, और ये टाइम लगेगा क्योंकि ये मतलब आपका बीटा वर्जन है जो कि मतलब आपका प्ले स्टोर में अवेलेबल नहीं है अभी। और जैसे ही ऑफिशियल आ जाएगा तो फिर आप मतलब डाटा यूज़ कर सकते हैं और वाईफाई यूज़ कर सकते हैं, पर अभी के लिए आप डाटा और वाईफाई नहीं यूज़ कर सकते, नहीं तो ये फ्लोटिंग का जो ऑप्शन है ये आपका डिसेबल हो जाएगा अपने आप ही। तो ये थोड़ा अजीब फीचर है, पर जो कि मतलब यही सच्चाई है क्योंकि काफ़ी कम बीटा यूज़र्स को मिला। तो जैसे इंस्टॉल हो जाएगा, देखिए जैसे कि आपको मिल जाएगा ये बीटा वर्जन जो कि 7.1.6 ऐसे कुछ वर्जन है इसका, तो आप इसको डाउनलोड कर लीजिए। इसका ऐप का लिंक आपको नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, जहाँ से आप डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हैं। तो फिर आप जाइए अभी नोट में, या आप कुछ भी जो भी आप यूज़ करते हो वही जाइए, मैसेज में भी आप जाकर काम कीजिए अगर आपका। तो देखिए, जैसे कि अभी आप गूगल का टैप कीजिए, और अगर आप 3-डॉट मेन्यू में भी टैप कीजिएगा तो आपको फ्लोटिंग का ऑप्शन कॉर्नर में दिख जा रहा है जो कि आपको पहले नहीं दिखता था। जिसमें आप टैप कर दिए तो आपका गूगल का कीबोर्ड जो है आपको फ्लोट करना स्टार्ट कर जाएगा, और कुछ ऐसा लुक आपको मिलेगा जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग है, जो कि गूगल आप मतलब नया काम कर रही है कीबोर्ड में। और ये आपको कुछ दिन में ऑफिशियली अपडेट मिल जाएगा प्ले स्टोर से। पर अगर अभी आप यूज़ करना चाहते हो तो ये ट्रिक आपको अप्लाई करना होगा, वाईफाई और आपको डाटा कनेक्शन आपको डिसेबल करना होगा अभी के लिए। और देखिए, जैसे कि ये आप कर सकते हैं ऐसे यूज़, और इसको आप रिसाइज भी कर सकते हैं, और कुछ देर के लिए अगर आप छोड़ दीजिएगा तो इसका जो ओपासिटी है ये आपका 50% हो जाएगा, जो कि काफ़ी अच्छा फीचर है। और अगर आपको डाउनलोड करना है और यूज़ करना है तो ये आपको इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आपका गूगल जीबोर्ड का मतलब बीटा वर्जन का, डायरेक्टली आप डाउनलोड कर सकते हैं इसको। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और अगर आप अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं जल्दी कर लीजिए, चैनल सब्सक्राइब करने और बेल आइकन टैप कीजिए ताकि आप हमसे नोटिफाइड रहें नए वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद, वंदे मातरम, मैं स्टूडेंट, बाय।